हल्द्वानी में सिडकुल की एचपी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने आज विरोध करने का अनोखा तरीका निकाला है। आक्रोशित कर्मचारी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 24 घंटे के रोजगार जागरण पर बैठ गए। एचपी मजदूर संघ के अध्यक्ष विनीत कपिल ने बताया कि 31 अक्टूबर से कंपनी बंद हो गई। 95 दिन से बेरोजगार कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। 500 से अधिक कर्मचारियों की रोजी रोटी छीनकर कंपनी भाग गई, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं किया तो उन्हें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रशासन हमारी कुछ सुन नहीं रहा है। मैं यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय था एचपी का, 15 साल मैंने यहाँ सर्विस की। लास्ट में आज इन्होंने हमें ऐसा दिन दिखा दिया, अचानक नोटिस दे करके कल से आपको कंपनी नहीं आना है, और आज नतीजा हमें भुगत रहे हैं कंपनी नहीं आने का। तो हमारी दो मांग है, या तो कंपनी रीओपन हो और वरना हमें रिमेनिंग सर्विस का कंपनसेशन भुगतान किया जाए। बस सर, हम लोग यहाँ पे आज 94 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ पे इतने दिनों हो गए हमें बैठे हुए, लेकिन प्रशासन से हमने कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन से हमें केवल झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। और हम केवल अपनी जायज, हमारी दो ही मांगे हैं, जो हमारी फैक्ट्री, हमारी जो पंतनगर सिडकुल में स्थित थी एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने हमें बेरोजगार कर दिया है सर, जॉब से टर्मिनेट कर दिया है बिना किसी कारण, अपने हितों के लिए, और इसी का हम विरोध कर रहे हैं, इसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी दो ही मांग है कि या तो कंपनी हमें फिर से रोजगार में ले और अपना प्लांट चलाए जो उसने बंद कर दिया है और भागकर वो चेन्नई पेरम्बदूर में कहीं शिफ्ट हो गई है, थर्ड पार्टी के थ्रू चला रही है अपना काम, या फिर अगर कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, अगर वो साफ इस चीज़ से मुकर रही है, तो फिर हमें जो उसने अनुबंध किया था, क्योंकि हम वहाँ के स्थायी श्रमिक थे, हमने 14-15 साल वहाँ पे अपनी सेवाएं दी पूरे तन मन धन से, और उसके बावजूद भी आज हमें ये धोखा कंपनी किससे मिला है। तो हम जो 60 साल की अपनी सर्विस, जो रिमेनिंग ईयर ऑफ सर्विस है, जो हम वहाँ पे एज ए परमानेंट एम्प्लॉय कार्यरत थे, तो उसके लिए हमने मांग किया है कि हमें वो मुआवजा राशि दी जाए पूरी। देखिए, जैसे आपके संज्ञान में भी है कि हमारी कंपनी 31 अक्टूबर से बंद हो चुकी है, और आज जो है हमें 95 डेज हो चुके हैं एक धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन ये सरकार के और ये शासन और प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, और इस सरकार को, इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने बूट पॉलिश से लेकर अपने बर्तन बजा के भी आंदोलन किया और रैली निकाली, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज जब ये बात करते हैं रोजगार की, आज एक कंपनी यहाँ पर 500 लोगों के पेड़ में लात मार के यहाँ से भागने का काम कर रही है, लेकिन ये सरकार उसे रोकने के लिए कोई भी धरातल पर काम नहीं कर रही है। हमने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी से भी इसकी गुहार लगाई थी, उनसे हम 5 बार मिल चुके हैं, और 5 बार मिलने में उनके द्वारा एक ही आश्वासन हमें बार बार दिया जा रहा है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे रोकूंगा। और इससे पूर्व में जब मैं मिला था, मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आपसे ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, ये कंपनी तो चली गई, लेकिन आप हमारे कंपनसेशन का करवाओ, और अगर इसके बाद भी हमारी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई इसमें नहीं की जाती है, तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।